या आपको सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्या मिला परिवार से लेकर, यानी जहां जन्म लिए वहां से लेकर यहां, है? सबका आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, और बड़ों का सम्मान करो परिवार भी यही सिखाता है, धर्म भी यही सिखाता है, स्कूल भी यही सिखाता है, और समाज में बड़ा है कौन? पूंजीपति। समाज में बड़ा है कौन? तो जब लोगों के मन में इस तरह का थॉट है तो उन लोगों के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन होगा कैसे? अब बताओ, रिवोल्यूशन कैसे हो सकता है? इसलिए मार्क्स का रिवोल्यूशन है फ्रॉम अप टू डाउन, ग्राम्सी का रिवोल्यूशन है फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक, सुनना, मार्क्स है और ये ग्राम्सी, ये मार्क्स है एंड ग्राम्सी। मार्क्स कहता है रिवोल्यूशन फ्रॉम अप टू डाउन, एंड मींस ये आपका पोजीशन है और ये क्या है, ये क्या है जी? अरे तू तो हम देख ही रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है, मार्क्स के अनुसार बता। अरे मालिक को तुम लोग क्या समझ, ये बेस है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। नहीं बताया गया था कि किसी भी समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले परिवर्तन कहां लाओ? बेस पर। तो ये क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, और इस मोड ऑफ प्रोडक्शन पर किसकी ओनरशिप है? कैपिटलिस्ट क्लास। अब प्लेटो में चल गई, उत्पादक वर्ग आ गए। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज करेंगे तब जाके स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्लियर? अब यहां पर है, यहां पर ठीक, ग्राम्सी में ये सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी इज इक्वल टू फैमिली, रिलीजन एंड रिवोल्यूशन। यहां से शुरू किया गया, किया जाए ऊपर, तो यहां पर रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यानी क्रांति पहले सिविल सोसाइटी में करो, सिविल सोसाइटी में, यानी मींस कि इंटरनल कॉन्सेस से सोसाइटी के जो लोग हैं वो कैपिटलिस्ट की सुपरमेसी को जब एक्सेप्ट किए हैं, यह विचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सोसाइटी के लोग रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे जैसे लेबर क्लास के मन में यह विचार है कि अगर पूंजीपति नहीं रहेगा तो मुझे सर्विस नहीं मिलेगी, और अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो हमको सैलरी नहीं मिलेगी, और जब हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे कैसे, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि लेबर क्लास इंटरनली एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, है कि नहीं? ये ठीक, यहां तक ये ग्राम्सी का थॉट है। मार्क्स का है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सोसाइटी बनती है, इसलिए मार्क्स कहता है कि रिवोल्यूशन पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन में करो, इसलिए कहता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द लेबर क्लास। ठीक, तो डिक्टेटरशिप ऑफ द लेबर क्लास, तो अब तक उस मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की सुपरमेसी थी, रिवोल्यूशन के पश्चात मोड ऑफ प्रोडक्शन पर किसका वर्चस्व बढ़ेगा? लेबर क्लास का। तो जब लेबर क्लास का होगा तो वह लेबर क्लास कैपिटलिस्टों की प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन करेंगे, तो सोसाइटी से प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। कल जो बता रहे थे, जब सोसाइटी से प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो सिचुएशन, सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी ही नहीं तो क्लास रहेगा ही नहीं, और देन क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। ठीक, एनी मींस, क्योंकि शुरुआत से लेकर यहां तक अगर प्री कम्युनिज्म स्टेज, स्लेव सिस्टम, फ्यूडो सिस्टम, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी,
सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो यहां पर देख रहे हैं प्री कम्युनिज्म स्टेज के बाद फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सोसाइटी में चेंज हुआ, प्रोडक्शन मेथड, सिर्फ प्रोडक्शन मेथड चेंज किया गया, और प्रोडक्शन मेथड अगर चेंज हो गया तो सोसाइटी का नेचर चेंज, प्री कम्युनिज्म सोसाइटी कन्वर्ट द स्लेव सोसाइटी एंड चेंज द सोशल रिलेशन मास्टर एंड स्लेव, है कि नहीं। तो अगर मास्टर एंड स्लेव चेंज हुआ, केवल एक चेंजिंग की गई, वह है मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। तो अगर क्लास सोसाइटी को क्लासलेस में कन्वर्ट करना होगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स। बेसिक चीज यही समझ लीजिए कि मार्क्स के लिए मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजिंग करना है। तो अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजिंग कर देंगे तो सोशल नेचर ऑफ सोसाइटी भी चेंज हो जाएगी और सोशल रिलेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर, यहां तक समझ गए। मार्क्स ग्राम्सी कहता है कि जब तक सिविल सोसाइटी एनिमीज जो इंटरनल कॉन्सेस में एनिमीज कि लेबर क्लास इंटरनली एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी पूंजीपति आंतरिक रूप में स्वीकार कर लिया है पूंजीपति विचारधारा, यानी पूंजीवादी विचारधारा, और यह सोच के भी एडॉप्ट कर लिया है कि विदाउट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी देयर इज नो फुलफिल द पर्सनल इंटरेस्ट, यानी अगर पूंजीवादी विचारधारा नहीं होगी तो हम अपने पर्सनल या व्यक्तिगत इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, सर्विस के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए, तब जाके। तो हमारी जो जरूरत है, हमारी जो नीड्स है, वो नीड्स कौन पूरा कर रहा है, कैपिटलिस्ट। और इसका एग्जांपल आज आपको हम समझा दें। प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर आपका एक्सप्लॉयटेशन करता है, फिर भी आप नौकरी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि सैलरी मिलती है, आपकी आवश्यकता पूर्ति होती है, ठीक। सभी आवश्यकताओं की वह क्या करता है, पूर्ति करता है, ठीक। इसका मतलब कि सोसाइटी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को इंटरनली एक्सेप्ट कर लिया है, और जब इंटरनली एक्सेप्ट कर लिया है तो उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन होगा कैसे, क्लियर। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब उसको चेंज करने के लिए, उस रिवोल्यूशन को अगर चेंज करना, रिवोल्यूशन अगर चेंज किया जाए, तो पहले हम सिविल सोसाइटी की आइडियोलॉजी को चेंज करें, ठीक। जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूं, अब फिर आ गया वो एग्जांपल। अगर भारतीय समाज को एनालाइज किया जाए तो भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर है, ठीक। और वर्ण व्यवस्था में सबसे सुपीरियरिटी जो है वो पंडित जी लोग, यानी वैचारिक रूप में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखना, और इसको कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, इसका नाम रखा जाता है ब्रेन वॉश। और ये ब्रेन वॉश मुस्लिम धर्म में मौलाना लोग टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। 26/11 की मूवी देख लीजिए, हाँ, तो उसमें क्या कहता, मेरे आका कहते थे कि अगर शहीद हो गए तो जन्नत मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, इत्र की खुशबू होगी, ये सेंटेंस है उसका। कसाब जब पकड़ा जाता है तो वह यही सेंटेंस बोलता है कि मेरे आका कहते थे, तुम नाना पाटेकर के सामने कहता, तुम उनके सामने उनके चेहरे पर इतनी तेज है कि तुम टिक नहीं सकता, मेरे आका कहते हैं, आका मीन्स मौलवी लोग कहते हैं कि जिहाद करो, जिहाद में अगर शहीद हो गए तो जन्नत मिलेगी, इत्र की खुशबू होगी, और जो भी है उससे हमसे नहीं, मत हमको जो सेंटेंस बोला गया है, मैं ठीक
जब पकड़ा गया, सभी पकड़े जाते हैं, कसाब जिंदा पकड़ा, तो उसको लाया जाता है जहां, उसके पूछता है कौन कौन है सब, तो उसके पिछवाड़े पर 2 लाख मारता है और कहता है ले ये इत्र की खुशबू है, ले ये इत्र की खुशबू है, ये बिरयानी है, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या है, ब्रेन वॉश है, यही ब्रेन वॉश है। ब्रेन वॉश करने का मतलब कि तुम्हारे अंदर सोचने समझने की क्षमता को क्या कर देना, ठीक। तो इन लोगों ने इंटरनली जो एक्सेप्ट कर लिया है उसके, अब अगर इस स्ट्रक्चर में अगर चेंजिंग करना है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर इसमें चेंजिंग करना है तो पहले यहां से चेंजिंग करो, ठीक। तो रिवोल्यूशन क्या हो गया, फ्रॉम डाउन टू, ठीक। और ये कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये है कंसेप्ट। और समझ में आ रहा कहां है, कहां पे, ये ग्रामसी का कंसेप्ट। अंबेडकर का कमेंट समझ लो ना कि विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी देयर इज नो साउंड ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ये चीज नहीं समझ में आई, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की सफलता होगी, ये चीज नहीं आ रही है यहां पर। क्या कहता है कमेंट, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग लाइन लिखवाया था कि इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी दैट इज द सिविल सोसाइटी है, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, यही तो कहते हैं अंबेडकर का स्टेटमेंट तो यही है ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। अब इसको इस तरीके से समझ लो, जानते हो तुम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो अभी तक मैं समझ आऊं, अब तक तुम लोग सीधा सीधा समझ रहे हो, सीधी लाइन पर चला है, समझ रहे हो ना। और सोशल साइंस हमेशा जिगजैग पर चलेगा, साइंस नहीं है कि एकदम फ्रंट रो पर चलेगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा थॉट को अपने इधर उधर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दो पार्ट है, एक पार्ट मैं ले रहा हूं पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट, अरे यार सुनना पहले फंडामेंटल राइट, और दूसरा पार्ट ले लेते हैं पार्ट फोर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल पीछे छोड़ दो, शॉर्ट पार्ट में हमेशा चलता है, ठीक। फंडामेंटल राइट किस चीज की बात करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और इस ये बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिकल। इसका एस्टेब्लिशमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास है और इसका प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक। यह है पॉलिटिकल इक्वलिटी बेस आर्टिकल 14, 15, 16 and 17 and 18, ठीक। ये तभी होगा जब सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन के स्थान पर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक। अब इसमें चेंज होगा तब तो ये इस इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस होगा, ठीक। तो इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही चेंज करने की, तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इच आर सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी, सही है, ये दोनों सेंटेंस सही है।